एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना के खिलाफ जंग में आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, आज 11 बजे डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और देश उम्मीद कर रहा है कि आज वैक्सीन पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। देश में अब तक 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की चर्चा शुरू हो गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है और उम्मीद यह भी है कि डीसीजीआई दोनों वैक्सीन पर सिफारिश की मुहर लगा सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में यूके से आए वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान कर इसे आइसोलेट भी कर लिया है और सबसे खास बात यह है कि नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। कल देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए ड्राई रन किया गया, यानी हमारी तैयारी पूरी है, बस वैक्सीन का इंतजार है। और आज जब डीसीजीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 11 बजे अब से कुछ देर के बाद, तो उम्मीद यही है कि दोनों वैक्सीन की मंजूरी को का ऐलान किया जाए। भारत में आज होगा वैक्सीन पर सबसे बड़ा ऐलान। हिंदुस्तानियों को वैक्सीन पर मिलेगी डबल खुशखबरी। 2 वैक्सीन पर टीकाकरण की तारीख आज तय हो सकती है। जनवरी में क्लीन बोल्ड होगा कोरोना। सीएम योगी का दावा, मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीन आएगी। मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। वैक्सीन पर जिस शुभ घड़ी का इंतजार देश को था, वो खुशखबरी अब से कुछ घंटे बाद मिल सकती है। डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत बायोटेक की देसी कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन को भारत बायोटेक ने पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। तीसरे चरण में कोवैक्सीन का 23,000 लोगों पर सफल परीक्षण किया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने 24 घंटे पहले ही अपनी राय दे चुकी है। अब इंतजार इस पर डीजीसीआई के फाइनल मोहर का है। कोरोना से फाइट के लिए जो एक ही विकल्प हमारे पास में था वो वैक्सीन थी और वो वैक्सीन आज आ गई है। अप्रूवल मिल गया है और लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग है। फर्स्ट फेज में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी 30 करोड़ लोगों को। वैक्सीन के ट्रायल पर नजर रखने वाली CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने 1 और 2 जनवरी की मीटिंग के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक में तैयार हो रही कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की। इससे पहले शुक्रवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड के इस्तेमाल की भी सिफारिश की थी। 2 वैक्सीन कंपनीज को अप्रूवल मिल गया है। ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल मिला है सीरम इंस्टीट्यूट को भी और भारत बायोटेक को भी। सीरम इंस्टीट्यूट के पास में 75 मिलियन डोजेस के करीब तैयार हैं। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए। यानी भारत में वैक्सीन के डबल डोज से कोरोना का अंत हो सकता है। भारत बायोटेक की देसी कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड का भारत में एक साथ इस्तेमाल हो सकता है। 2 वैक्सीन के अलावा अमेरिका की फाइजर वैक्सीन ने भी भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी। सबसे बड़ी बात कि टीकाकरण को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। देश भर में 2 राउंड में वैक्सीन का ड्राई रन पूरा कर लिया गया है। पहले राउंड में 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया, दूसरे राउंड में सभी राज्यों में 116 जिलों में ड्राई रन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के पास टीकाकरण का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली के GTB अस्पताल में ड्राई रन का निरीक्षण भी किया। ये भले ही एक ड्राई रन हो, लेकिन असल में जो जिन स्टेप्स जिन चरणों के तहत ये पूरी वैक्सीन दी जाएगी, ये उसी का ही ड्राई रन है। और इसी तरह से कोई भी किसी वैक्सीनेशन साइट पर आता है तो उसको ये तमाम प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। ऐसे फ्री वैक्सीन को लेकर घिरे स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीकाकरण की रूपरेखा को भी साफ कर दिया है। शुरू में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कर्मचारियों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। बाकी 27,000 करोड़ लोगों के मुफ्त टीकाकरण पर बाद में फैसला होगा। जिन देशों के पास 1 या 2 वैक्सीन है, भारत के पास आज 3 वैक्सीन है। 3 वैक्सीनों को एक साथ तैयार करा जा रहा है ताकि एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन हो, उसकी एफिशेंसी और बेहतर हो और कॉस्ट उसकी कम से कम हो।
ऐसे एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो हम पैंडेमिक से समान स्थिति की ओर बढ़ जाएंगे। अगर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाता है, समझ लीजिए 30 करोड़ लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, हम लोग जल्दी से जल्दी पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेट में आ सकते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार है, साफ हो जाएगा कि कब, कहां और कितने वैक्सीन से भारत में वैक्सीन का दौर शुरू होने वाला है। और देखिए, आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और पूरे देश को इंतजार है कि आज अच्छी खबर जरूर मिल सकती है, हर कोई उम्मीद यही कर रहा है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त देश के सबसे बड़े डॉक्टरों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहान जुड़े हुए हैं, CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल साहब मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर त्रेहान, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, आज बड़ी खबर आ सकती है, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव न्यूज होगी, और जब वो पॉजिटिव न्यूज आएगी तो कैसे सब कुछ आगे बढ़ेगा, आप कैसे देखें? तो ये आज एक हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो हमें पता है कि जो एक्सपर्ट पैनल ने तो अप्रूव कर दिया कि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी जाहिर हो गई है फेज 3 ट्रायल से, और उसका डेटा एनालाइज करके रेकमेंड कर दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल को कि इसके ऊपर अब अप्रूवल हो सकता है। अब DCGI फाइनल डिसीजन लेता है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है इसमें बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि जब एक अथॉरिटी अपनी अप्रूवल देती है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है उनकी कि सेफ्टी वगैरह उन्होंने अच्छी तरह से चेक करी है जनता के लिए जी। तो उम्मीद आज ये है, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये उत्साह तो बढ़ गया है सबका कि भाई आने वाली है, आज ही अनाउंसमेंट हो जाएगी, और मुझे यकीन है कि होगा भी शायद ऐसा जी। पर जब तक हो ना जाए तब तक पूरी सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इससे राहत जो मिलेगी हमारी पब्लिक को, हमारी नेशन को, हमारी इकोनॉमी को इसका एक जिसको गेम चेंजर कहते हैं वो होगा। तो इसीलिए स्वागत है इस बात का कि आज 11 बजे अगर जो ये मंजूर हो जाता है DCGI को, ये सेफ है वैक्सीन, तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, ट्रायल रन हो चुकी है, तैयारी पूरी है, और जल्द से जल्द, क्योंकि कई वैक्सीन आ जाएंगी आने वाले 2-4 हफ्ते में, तो इसीलिए हमें ये मतलब ध्यान से देखना है कि कैसे इसको रोल आउट करना है, क्या इसकी सेफ्टी मेंटेन करनी है, और जिनको लगेगी उनको भी सेफ रखना है, क्योंकि आधा पौना घंटा उनको ऑब्जर्व करना है आफ्टर दैट। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, पर हिंदुस्तान को ये ऑलरेडी मैकेनिज्म प्लेस है, ऑलरेडी प्रोटोकॉल बन गई है, हमने कई बार वैक्सीनेशन करे हैं, हमें पता है इलेक्शंस कैसे करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स के लिए में हिंदुस्तान बहुत आगे है सब देशों से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए एक बड़ा नेटवर्क हमारे पास पहले से मौजूद है, और उसका फायदा जरूर इस काम के लिए मिलेगा। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर त्यौहार, इस वक्त CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मांडे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, दो वैक्सीन जिनको लेकर अभी तक एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से पॉजिटिव खबर आ गई है, अब DCGI की तरफ से जो भी आज फैसला होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे, और उम्मीद सब यही कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद प्रायोरिटाइज कैसे होगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो ड्राई रन हमने किया है उसको कितना दुरुस्त देख रहे हैं आप लोग, और तैयारियां कहां तक और मुकम्मल होनी चाहिए? तो मैं तो मानता हूं कि तैयारी तो पूरी है, जैसे अप्रूवल मिल जाता है दोनों वैक्सीनों को, आपको पता होगा कि ड्राई रन भी हो चुका है पूरे देश में, और ये इसीलिए हुआ था कि किस तरह वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग साइट से उन जिलों तक ले जाए जहाँ पे लोगों को जरूरत हो वो करेक्ट टेम्परेचर में, उन जिलों में किस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स लोगों को वैक्सीन देंगे, और वैक्सीन देने के पश्चात लोगों को कुछ देर ऑब्जर्व करना होता है, आधा पौना एक घंटा, तो उनको ऑब्जर्वेशन भी करना होता है, तो पूरा ड्राई रन हो चुका है, तो तैयारी तो पूरी है। जैसे वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है ड्रग कंट्रोलर से, तो मेरे ख्याल से देश की पूरी तैयारी है टीकाकरण शुरू करने की, और ये बहुत अच्छी खबर होगी जी। बिल्कुल अच्छी खबर होगी, और हम सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ डॉक्टर BL शेरवाल साहब भी मौजूद है। BL शेरवाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा बड़ा सवाल यह है कि तैयारी पूरी है, सब पॉजिटिव न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, क्या वैक्सीनेशन के बाद एकदम से जैसे ही वैक्सीनेशन होता है उसके बाद चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, या एहतियात उसी तरीके से बरतना होगा और चीज़ों को एनालाइज भी करना होगा? नहीं,
देखिए ये बहुत जरूरी है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत अहम कदम है पेंडेमिक कंट्रोल में हिस्सेदार बनने का जी। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अभी तो वैसे भी हम बात कर रहे हैं केवल 3 करोड़ लोगों को, जिसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर इनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद 27 करोड़ लोग और जुड़ेंगे जिनको धीरे धीरे करके और जो कोमॉर्बिड और 50 साल से ऊपर की, तो ये कि बड़ा चंक है हमारी आबादी का। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बहुत जल्द हमें अभी मास्क से छुटकारा मिलेगा जी। या जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग है या हैंड सैनिटेशन है, वो सब मैयर हमने अभी करने हैं। ये ध्यान रखना है कि पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, हमारी तैयारी जरूर हुई है, सरकार हर लेवल पे तैयार है। और जहाँ तक बात है वैक्सीनेशन लगने का, पूरा हम लोग सब हेल्थ वर्कर उसका इंतजार कर रहे हैं जी। और बहुत जल्द, जैसे कि आप सबको मालूम है, आज ऐलान वाला और ड्राई रन वो फेज में हो चुका है, तो उससे हमारी अगर कोई कमियां होंगी या कोई बारीकियां जो लगाने में या ट्रांसपोर्ट करने में, वो हर तरह की चीजें इसके अंदर देखा जाता है जी। तो उन सबको दुरुस्त करने का टाइम भी हमें मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर शेरवाल, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर त्रेहान, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन को लेकर सब पॉजिटिव न्यूज का इंतजार कर रहे हैं और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अब तक जो इंतजार था पूरे देश का, दुनिया में कई देशों में आ गई वैक्सीन, हमारे यहाँ इंतजार था, वो इंतजार आज खत्म होगा। सवाल यह है, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सवाल वैक्सीन पर उठाए जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, उससे होने वाली दिक्कतों को लेकर, मैं चाहूंगा जरा आप उस पर रोशनी डालें। देखो, जो ये ट्रायल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रिगर ऑफ साइंस, उसके थ्रू तो ये वैक्सीन्स को ऑलरेडी किया जा चुका है कि बेसिक सेफ्टी और एफिकेसी जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है। कोई ऐसे, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं हुई है एस्ट्राजेनेका की ट्रायल, यूके में भी हुई, यूके ने हमसे पहले अप्रूव कर दी है, तो इसीलिए कोई ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है किसी को कि इसके साइड इफेक्ट्स कोई भयंकर हो सकते हैं। पर टाइम बताएगा, वक्त बताएगा, जब लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगेगी तो कोई रेयर जो कॉन्सिक्वेंस या साइड इफेक्ट हो सकता है वो हो सकता है निकलेगा। पर देखो, इसीलिए ये सोचा गया है, इमरजेंसी जो अप्रूवल मिला है वो इसलिए मिला है कि जो लोग रोज अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं उनका रिस्क तो बहुत ज्यादा ही है जी। उनके लिए वैक्सीन जो है वो लाइफ सेवर हो सकती है। इसीलिए एक तो उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि वो 10 महीने से इस तरह से दिन रात को एक करके लगे हुए हैं, हमारे सारे साथी, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नर्सेज ही नहीं, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल फोर्सेस, जो सफाई कर्मचारी, सारे ही इसी काम में लगे हुए हैं। तो उनको रिलीफ मिले अगर जो, तो ये बहुत जरूरी है कि ये उनके वो चले। जब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, और जैसे हम इस पे पूरी ऑब्जर्वेशन करी जाएगी, ये नहीं है कि ये हो गया तो अब उनका ट्रैक ही नहीं रखा जाएगा, तो ये पता लग जाएगा किसी को कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि नहीं, उनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, कितनी इसकी एफिकेसी जो है लॉन्ग टर्म कितनी है, ये सब बातों का जवाब टाइम में मिलेगा। बट शुरुआत जो है ये ज़रूरी है, इसकी सेफ्टी जितनी इस्टेब्लिश हो सकती थी कर दी गई है, तो मेरी ओपिनियन में ये जो है टाइम आया है कि इसकी, जैसे ही DCGI अपनी अप्रूवल देगा, तैयारी ऑलरेडी है, और सब जुट के अगर जो हम इसमें लगेंगे तो जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान की सारी जनता को, एटलीस्ट जो 30 करोड़ की बात कर रहे हैं हम, वो छोटे से छोटे टाइम में, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट टाइम में उपलब्ध करी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं डॉक्टर शेखर मांडे का रुख करूंगा एक बार। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ICMR की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन आने की बात हो रही थी, जिसको बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा संक्रामक है, उसका जो स्ट्रेन है उसको आइसोलेट कर लिया, उसको कल्चर कर लिया, इसके मायने हमारे दर्शकों को जरा समझाइए और इसके फायदे हम कैसे भविष्य में हमें मिल सकते हैं। ये वायरस को कल्चर करना एक अच्छी बात होती है हम लोगों को उसको समझने के लिए, और हमारे सभी अनुसंधान जो होते हैं वो वायरस को आइसोलेट करने के पश्चात होते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि बाकी देशों में भी हुआ होगा, ये यूके में तो जरूर हुआ होगा, लेकिन हमारे देश में जो ICMR ने किया है वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी अच्छी बात है कि ICMR ने इसको कल्चर कर लिया है। तो वैसे कि हम लोग कल्चर करते आ रहे हैं बाकी वायरसेस को, लेकिन म्यूटेंट को भी कल्चर करना एक जरूरी था और ICMR ने अगर किया है तो ये बड़ी अच्छी खबर है। जी अच्छी खबर है। डॉक्टर शेरवाल मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए वैक्सीन को लेकर वही सवाल जो मैंने डॉक्टर त्रेहान से पूछा, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी आम लोगों के मन में भी कुछ सवाल है इस पर। बार बार लोग भी थोड़ा सा मजबूर हो रहे हैं सोचने के लिए क्योंकि बातें इस तरह की आ जा रही हैं बीच बीच में, तो उससे कैसे बचें एक बात, दूसरी बात क्योंकि जब तक आप वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, और पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेंगी तो वो भली बात ही जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने, वैक्सीन जो है ऐसा नहीं है कि हम पहली बार वैक्सीन लगवाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत इन्फेक्शियस डिजीज की वैक्सीनेशन पहले से लगती रही है, जैसे आजकल एडल्ट वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन लगती आई है। तो जहां तक बात है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम आम लोगों की उसमें आता है ख्याल में कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बने, तो ये लोगों का ये है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये जैसे डॉक्टर त्रेह ने भी बताया कि वैक्सीन जल्दी जरूर बनी है, इसमें हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र है, लेकिन इसके अंदर साइंटिफिकली कोई स्टेप एस्केप नहीं किया गया। साइंटिफिकली सभी ट्रायल हुई है, हमारा कितना है कि वो एक के बाद एक होगा यहाँ पर साइमल्टेनियसली सभी ट्रायल, लेकिन कोई साइंटिफिकली गैप नहीं है, पूरे प्रोसेस से गुजरा है सारी वैक्सीनेशन। और जो सबसे अहम चीज़ इसके अंदर होती है पहला, वो है सेफ्टी। जो है जो वॉलंटियर, मैं उनको सलाम करता हूँ जो शुरुआत में वॉलंटियर आए, फिर सेकंड फेज में आए और अभी थर्ड फेज में काफ़ी लोग आ गया। तो उसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी बारीकी से जो इन्वेस्टिगेटर हैं उस पर नज़र रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्वेशन करके एनालाइज करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर फिर जो है संज्ञान लिया जाता है। तो ऐसे ही अभी जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि ये सेफ नहीं होगा। तो हमेशा वैक्सीन के लिए सेफ्टी की बात पहले आती है कि इस पर कोई गलत प्रभाव नहीं है, AEFI नहीं है जो एडवर्स इम्यूनाइजेशन होते हैं वो नहीं है। अगर वो उस पर हमारा पहला काम है उसके ऊपर कंट्रोल, और अगर वो जब हो जाता फिर हम बात करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी की या एफिकेसी कि ये जिस इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, जैसे जो कोविड के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, इससे कितना बचाएगी हमारी एफिकेसी कितनी है। तो वो सेकंड फेज में और थर्ड फेज में अभी कोवैक्सीन की जैसी अभी सभी को मालूम है 23,000 लोगों में ये ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, 3,000 का और टारगेट है 26,000 पूरा करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है और अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट और मेजर कोई इसके इफेक्ट से नहीं है जिस जो अलार्मिंग हो, और उसके बावजूद भी इमरजेंसी केवल परमिशन दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि गार्डेड है और टाइम टू टाइम मैन्युफैक्चरर्स को जितने भी अगर एवरी 15 डेज डाटा इकट्ठा करके इन्फॉर्म करना होगा DCGI को, और उससे क्या होगा कि किसी भी आम व्यक्ति, जैसे अभी ने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर हैं, तो अपने आप में वो एजुकेशन लेवल तरह का है कि वो लोग जानते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है इसीलिए वो लगवाएंगे। और मेरा सभी से यही सुझाव है जब आपका नंबर आए वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है और हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया और वो कोई भी जो है इससे डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर शेरवाल हमारे साथ, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वैक्सीन की चर्चा हो रही है, भारत में भी इंतजार हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड के अस्पतालों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पहुंच गई है और कल से इंग्लैंड के नागरिकों को उसका डोज लगना शुरू होगा। कल से इंग्लैंड में लगेगी दूसरी कोरोना वैक्सीन की डोज, भारत से पहले इंग्लैंड में लगेगी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन।
आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो बॉक्स दिख रहा है उसी में है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वो वैक्सीन जिसे कल से इंग्लैंड में आम जनता को लगाने का काम शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर भारत के लिए भी बेहद खास है क्योंकि भारत में भी इसी वैक्सीन को सबसे पहले DGCI के एक्सपर्ट्स की टीम ने क्लियरेंस दी है। अब ये वैक्सीन इंग्लैंड के अस्पतालों में पहुंच गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सबसे प्रभावी माना जा रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैंकॉक ने कहा है कल यानी 4 जनवरी से लोगों को ये वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दूसरे वैक्सीन के मुकाबले सस्ती है, सामान्य तापमान में स्टोर करने की सुविधा है, लंबे समय तक शरीर में एंटीबॉडी बनाए रखने में सक्षम है, वहीं दूसरे वैक्सीन के मुकाबले जल्दी असर करती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाएगा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि लंबे समय तक बचाव के लिए दोनों डोज का लेना जरूरी है। ब्रिटेन सरकार और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के बीच 10 करोड़ डोज बनाने का करार हुआ है। इससे पहले ब्रिटेन में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन 6 लाख लोगों को टीकाकरण अभियान के तहत लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने देश के कई हिस्सों में सख्त लॉकडाउन रखा है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ब्रिटेन के लिए राहत की खबर लाया है। कोरोना को मात देने के लिए देश कल सबसे बड़ी तैयारी के दौर से गुजरा। कल देश भर में टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया गया और पहले फेज में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगना है जो कि फ्रंटलाइन पर है। देश में टीकाकरण की तैयारियां आपको दिखाते हैं। देश के सभी राज्यों में राजधानियों के साथ साथ छोटे शहरों में भी टीकाकरण की तैयारियों की टेस्टिंग की गई है। कुछ ऐसे इलाकों में भी ड्राई रन किया गया जहां आवाजाही के साधन आसानी से नहीं मिलते। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है ताकि जब कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये ड्राई रन है यानी वैक्सीनेशन से पहले टीकाकरण की पूरी तैयारी को परखा जा रहा है। जो हम रियल लाइफ में करने वाले हैं, रियल टाइम सिचुएशन में जो हमारी बूथ पे पूरी प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया होगी, उसको हमने आज बहुत क्लोजली देखा है और उसको हमने उसी तरह से किया है जो कि हम एक्चुअल डे में करने वाले हैं। यानी कि हमने उन्हीं इंडिविजुअल्स को बुलाया है जिनको हमने SMS भेजा है। ट्रायल रन हुए, हमने देखा है कि इट्स नियरली 70% इफेक्टिव इफ़ वी आर गिविंग 2 डोजेस, जो कि 2 हम कंप्लीट डोजेस देते हैं। और हमने जो है यहाँ पे जो हमने बताया कि हम 4 हफ्ते के अंदर दूसरी डोज दे देंगे करके। दिल्ली के GTB अस्पताल में ड्राई रन सेंटर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके साफ किया कि पहले चरण में फ्री वैक्सीन किन किन को दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, सबसे पहले देश भर में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री वैक्सीन लगेगी, फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद 27 करोड़ प्राथमिकता वाले लोगों को जुलाई तक टीका कैसे लगाया जाएगा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। इस बीच PM मोदी ने भी कोरोना महामारी से निपटने को लेकर देश में हुए कामों की सराहना की। कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चला गया, इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया। यूपी के सभी जिलों में 5 जनवरी को इसका ड्राई रन होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति पर कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं, तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे।
बहरहाल जिस जोर शोर से टीकाकरण की तैयारियां चल रही हैं, उससे बहुत उम्मीद बंधी है। कोरोना की वैक्सीन नए साल पर देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। कुछ देर के बाद डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सबको उम्मीद है कि पॉजिटिव और गुड न्यूज निकल कर आएगी। और इस बीच एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं देश के सबसे बड़े डॉक्टरों का पैनल, और वैक्सीन को लेकर जितने सवाल हैं लोगों के मन में, हम उनके जवाब उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान, मैं एक बार फिर से आपका रुक कर रहा हूं, मुझे एक बार बताइए, बार बार सेफ्टी और एफिकेसी की बात हो रही है, जिस पर आपने भी बोला, डॉक्टर शेरवाल ने भी कहा, डॉक्टर मांडे ने भी बताया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब वैक्सीनेशन शुरू होगा, पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को देने की बात है, लेकिन हर कोई चाहेगा, तो हमारे जो इंतजाम हैं वो उस हिसाब से पूरे हैं कि हम चीजों को कंट्रोल करके धीरे धीरे आगे बढ़ पाएं स्टेज वाइज? हाँ, ये तो जरूरी है कि लोगों में एंग्जाइटी होगी कि हमें भी जल्दी मिल जाए, पर इसमें इसका जो डिसीजन लिया गया है और राइटफुली लिया गया है कि इसको फेज 1, 2, 3 में डिवाइड किया जाए, इसमें तो सही बात है कि सबसे ज्यादा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका रिस्क भी ज्यादा है, उनको ज़रूरत भी ज़्यादा है, और उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि जब मैस वैक्सीनेशन हुआ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं। जैसे आपको पहले भी डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, एवरी 2 वीक्स उनकी रिपोर्ट तैयार करके DCGI एनालाइज करेगा, तो इसीलिए ये अच्छा समय है। पर ये भी सोचो कि जैसे और वैक्सीन भी है, भारत बायोटेक की है, वो जो स्पुतनिक है रशियन वैक्सीन, उसके ऊपर भी ट्रायल चल रही है हिंदुस्तान में, तो और भी कई हैं जो अब फेज 1 और 2 में है। तो अब ये है कि ये वैक्सीन आने वाले टाइम में उपलब्ध हो सकती है कि इतने डोसेज मिले कि फेज 1, 2, 3 को साइमल्टेनियसली चलाया जाए, ये भी हो सकता है जी। क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो तो 1 लाख से ज्यादा है, तो वैक्सीनेटर्स की तकलीफ नहीं होगी। लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ये सारी वैक्सीन जो है वो फ्रिज टेम्परेचर मतलब 2 to 8 degrees में ट्रांसपोर्ट होती है जी। उसकी पूरी सुविधाएं हैं हमारे पास हिंदुस्तान में। सो एक बात तो सही है कि फैसिलिटीज हैं, वैक्सीन का अप्रूवल्स जैसे ही आता जाएगा लोगों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जी। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि ये 1 साल लगेगा कि जो दो साल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फेज 3 में रखा जाए, तो ये इतनी वो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, आपने देख लिया कि कितना कमाल है कि हिंदुस्तान में इतनी जल्दी, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी दी, उत्साह भी बढ़ाया कि ये वैक्सीन आ गई आज। वैक्सीन का इंतजार है लेकिन सियासत और भ्रम का खेल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया, तो उनके MLC ने नपुंसक होने का झूठा डर फैलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने सियासत शुरू कर दी। आपको याद होगा कि इससे पहले हराम हलाल को लेकर WHO को चिट्ठी लिखी गई थी, मतलब संकट में अफवाह की सियासत खूब हो रही। सच बड़े डॉक्टरों से जानेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए कैसे जिंदगी वाली वैक्सीन पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कोरोना पर टूटा अखिलेश का जवानी कंट्रोल, वैक्सीन पर लगाया बीजेपी का ठप्पा, क्या कोरोना वैक्सीन नपुंसक बना देगी? अब जब वैक्सीन आने में चंद दिन या कुछ घंटे बचे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासत गरमा दी। बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने वैक्सीन का बीजेपी से रिश्ता जोड़ते हुए वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया, तो उनके पार्टी के विधायक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे नपुंसकता से जोड़ दिया। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को अच्छी नहीं लगवा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता RP सिंह ने ट्वीट कर लिखा, आवाम के दुश्मन देश के दुश्मन कह रहे हैं वैक्सीन नपुंसक बना देगी, मुस्लिम वोट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया।
अखिलेश यादव तो कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो वैक्सीन कब लगवाएंगे? देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को देश की सरकार पर भरोसा है। ये गुमराह करने वाला बयान देना बंद करें अखिलेश यादव। भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, वो वहाँ पर भी विफल हुए जो दुर्भाग्यपूर्ण था, और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो अखिलेश यादव पर लोगों को गुमराह करने का आरोप तक लगाया। अत्यंत दुखद, अखिलेश जी तो कोरोना वैक्सीन गुप्त रूप से लगवा लेंगे लेकिन अपने प्रशंसकों को गुमराह कर उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। खुद की राजनीति चमकाने के लिए यह लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान लेंगे। वैक्सीन पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के निशाने पर भी रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए उनकी खिंचाई की। मुझे किसी और का तो पता नहीं लेकिन जब भी मेरी बारी आएगी मैं खुशखबरी से टीका लगवाऊंगा। ये वायरस बहुत परेशान करने वाला रहा है, अगर कोई वैक्सीन सामान्य स्थिति लाने में मदद करता है तो मुझे चुने। वैक्सीन पर अपने दिए बयान के बाद चारों तरफ से घिरने के बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर आए और सफाई दी। ट्वीट कर लिखा, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अभी ये समझना चाहिए कि कोरोना काल में दुनिया को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है वैक्सीन की। ऐसे में वैक्सीन से कोरोना के अंत की उम्मीद लगाए लोगों को हौसला देने की जरूरत है, वैक्सीन पर सही जानकारी देने की जरूरत है। देखिए, समाजवादी पार्टी के वैक्सीन पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच देखिए, हमारे साथ देश का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है, देश के सबसे बड़े डॉक्टर जेबीपी न्यूज पर मौजूद है जो तमाम भ्रम तमाम सवाल वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब देने के लिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनसे बेहतर जवाब वैक्सीन को लेकर कोई भी नहीं दे सकता। डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शेखर मांडे हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर बी एस शेरवाल है। त्रेहान साहब, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन से कोई खतरा, किसी तरह का खतरा होगा क्या लोगों को? देखो, ये इसीलिए ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है इसको अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है यही एस्टैब्लिश करने के लिए कि सेफ्टी है। कोई आज तक ट्रायल में कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं रिपोर्ट किया गया है जो वैक्सीन से रिलेटेड है। इसीलिए ये तो हमें एज फ्रंटलाइन वर्कर्स हमें भी वैक्सीन लगवानी है। ये तो हमें पूरा भरोसा है कि जो डेटा रिपोर्ट हुआ है, जो एनालाइज हुआ है, उसकी तहत कोई रिस्क नहीं है कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट का। हाँ, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक बॉडी रिएक्ट करती है, थोड़ा फीवर हो सकता है, एक दो दिन के लिए लोकल पेन हो सकती है, कई लोगों ने कुछ हेडेक किया है, बट ये सब बहुत टेम्प्रेरी बातें हैं। 24 घंटे 48 घंटे में किसी को होता भी है रिएक्शन और बहुत कम लोगों को होता है, तो वो जायज़ है क्योंकि ये बॉडी को रिएक्ट करना है टू मेक द एंटीबॉडीज। तो इसीलिए हर वैक्सीन में ये प्रॉब्लम होता है, पर ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी वैक्सीन की ये इतनी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये आज की नहीं है, ये कई डेकेड से है। तो इसीलिए मुझे तो कोई शंका नहीं है कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी है, और मैंने जैसे बोला इसका 100% प्रूफ कब मिलेगा, जब काफ़ी लोगों को लग जाएगी, उनका फॉलोअप होगा और हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये वाकई में इतनी सेफ है जितनी हम समझ रहे हैं आज के दिन। तो मेरे को तो ये है कि जो भी वल्नरेबल लोग हैं उनको कोई शंका नहीं होनी चाहिए ये वैक्सीन लगवाने में।
बहुत अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कम से कम जो लोग इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी देख रहे होंगे वैक्सीन को लेकर, उनके मन में जो डर है वो जरूर निकलेगा। देखिए, वैक्सीन के ट्रायल में कोई खतरा नहीं है, और वैक्सीन अगर किसी को लगाई जाती है तो आमतौर पर जिस तरह से डॉक्टर त्रेहान कह रहे हैं कि कुछ लक्षण हो सकते हैं, पहले भी जैसे दूसरे वैक्सीनेशन होते थे उसमें भी होते थे, जहां पर वैक्सीन लगाई जाती है वहां थोड़ा दर्द हो सकता है या हल्का फुल्का फीवर हो सकता है या थोड़ा सर दर्द हो सकता है, इस तरह के सिम्टम्स जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी सिम्टम्स होंगे, उससे ज़्यादा सिम्टम की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वैक्सीन जब लोगों तक पहुंचेगी उसके पहले एक्सपर्ट कमेटी ने उसको पूरी तरीके से जांच पर रख लिया है, और अब वो काम DCGI के जिम्मे है, उसके बाद ही DCGI इस वैक्सीन को देश के लिए लेकर आएगी सबके सामने। डॉक्टर मांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मांडे, एक बड़ा अहम सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि वैक्सीन से क्या नपुंसक होने का भी खतरा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई विज्ञान जगत के सामने में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत सब लोगों से ये अपील करूंगा कि आप वैज्ञानिकों पर भरोसा करें कि हम लोग जो करते हैं, हम एक अनुसंधान करने का जो तरीका होता है, वैज्ञानिक खोज करने का जो तरीका होता है, उस खोज के मामले में ऐसा कोई भी हमारे सामने में पुरावा नहीं आया है कि इससे कोई नपुंसक हो सकता है। तो ऐसी अफवाहों पर कृपया प्लीज़ ध्यान ना दीजिए। बहुत अहम बात कह रहे हैं कि जो अभी तक पूरी रिसर्च हुई है, जिस तरीके से इस दवा को बनाया गया, इन दवाओं को बनाया गया, उनकी फिर जांच की गई, उसमें इस तरह के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, इसलिए जो तमाम बयानबाजी हो रही है ना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए। डॉक्टर बीएल चरावल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो क्या उस पर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इसके? नहीं, देखिए, बीमार का मतलब जो है अलग अलग तरीके से हम इसको देखते हैं। जहाँ तक वैक्सीन देने का सवाल है, वैक्सीन जो है दी जा सकती है केवल प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, अभी वैक्सीनेशन की कोई ट्रायल नहीं है और इसलिए उनको कहा गया कि वो नहीं दे सकते। अदरवाइज बाकी जैसे कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं या कोई और कार्डिक पेशेंट हैं, वो सब जो है वैक्सीन के हकदार हैं और वैक्सीन लेनी चाहिए, तो डरने की आवश्यकता। देखिए, तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बातचीत में दो बड़े सवाल जिनका जवाब देश चाह रहा था, वो जवाब हमारे इन एक्सपर्ट पैनल ने दिया है। एक तो वैक्सीन के इस्तेमाल से कोई खतरा नहीं है, दूसरा वैक्सीन को लेकर जो बार बार बयानबाजी हो रही थी कि उससे नपुंसक होने का खतरा है, ऐसा कोई खतरा नहीं है, ये दो बड़ी बातें। और तीसरी बात जो है, जो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वैक्सीन को आनन फानन में बनाया गया है, इस पर भी जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले जो दो अहम जवाब, वैक्सीन लगवाने से बुखार हो सकता है, सिरदर्द हो सकता है, जिस तरह से डॉक्टर त्रेहान ने पूरी भ्रम की स्थिति को साफ किया है, ये दिक्कतें पहले दूसरी वैक्सीनेशन में भी आती रही हैं, वो सिम्टम जरूर हो सकते हैं लेकिन खतरा कोई नहीं है, और वैक्सीन से नपुंसकता के खतरे की कोई जानकारी नहीं है। दुनिया भर में अब तक जो रिसर्च हुई है, जिस तरीके से वैक्सीन को बनाया गया है, उससे जुड़ी जितनी रिसर्च है, उसमें इस बात को लेकर कहीं कोई जानकारी, कोई खतरा अब तक नहीं बताया गया है। डॉक्टर त्रेहान, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बात जो बार बार उठाई जा रही है कि वैक्सीन बहुत आनन फानन में बनाई जा रही है, तो उसकी एफिकेसी कितनी दुरुस्त होगी, इस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। देखो, ये आप समझे कि जो प्रोसेस है, जो साइंटिफिक प्रोसेस है, उसको कंप्रेस किया गया है, क्योंकि आज के दिन जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये बात कि उसका जो जेनेटिक कोड है इस वायरस का, वो बहुत जल्दी जनवरी में ही कोड डीकोड कर दिया गया था। तो इसकी साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी इंटेंस रही है, और ये पहली बार है कि सारी दुनिया इकट्ठे होके इस पे काम कर रही है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट सारी दुनिया पे पड़ा है। जी, ये भी बात आप समझ लें कि इंडिया में डेकेड से सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, तो ये कोई नया प्रोसेस नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। क्वालिटी ऑफ वैक्सीन जो इंडिया की है वो सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है, WHO सारी दुनिया में बांटता है। तो ये तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, ये तो बहुत खरे उतरे हैं जी। तो इसीलिए ये शंका कोई लगती नहीं है कि, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाना शुरू किया वो कई महीने पहले शुरू किया, जब उनको ये विश्वास हुआ कि लगता है कि ये वैक्सीन जो है ये अच्छी रहेगी और ये इफेक्टिव होगी, तो उन्होंने तो अपने खर्चे के ऊपर, अपनी रिस्क के ऊपर 40 मिलियन डोजेज ऑलरेडी बनाए। अब उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और वो कह रहे हैं कि हम 100 मिलियन आपको जनवरी के एंड तक भी दे सकते हैं। साथ साथ दूसरी कंपनी जो है उनकी वैक्सीन भी आएगी, और हो सकता है कि वो किसी और चीज के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो इसीलिए
ये कहना कि हिंदुस्तान को 300 मिलियन वैक्सीन की जरूरत है, डोजेस की जरूरत है, सो दैट ये प्रोसेस शुरू हो जाए। उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि और कंट्रीज में इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, इंडिया में है, और गवर्नमेंट ने पहले ही उनको बोल दिया कि प्रायोरिटी ये आएगी, कुछ प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट हो सकता है। WHO के तहत ये सारी कोऑपरेशन चल रही है, इसीलिए ज्यादा इस पे चर्चा करने का फायदा भी नहीं है। इसमें तो सिर्फ ये है कि आप साइंटिस्ट और गवर्नमेंट रेगुलेटर के ऊपर आप पूरा भरोसा रखें, क्योंकि उनकी भी उनकी सारी, अगर जो आप हिसाब लगाओ रिस्क क्या है, अगर जो रेगुलेटर ने ऐसे ही पास कर दिया और लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर रेगुलेटर और गवर्नमेंट पे आएगी जी। तो ये मत सोचो कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रही, गवर्नमेंट समझ रही है, उसके बावजूद भी इसका प्रोसेस चला है। और आप ये क्या बात कर रहे हो कि जो अगर जो UK वाले हैं वो भी अपनी पूरा रेगुलेटरी सिस्टम, उनका भी बड़ा स्ट्रांग है, अगर जो उन्होंने भी करी है और कंट्रीज भी कर रही हैं, WHO ने भी सारा डेटा कलेक्ट किया है, तो उसमें शंका की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके रिस्क जो है वो अभी जाहिर नहीं हो रहा कोई रिस्क, और होगा भी तो मेरे को लगता है मिनिस्क्यूल होगा। हर चीज को रिस्क बेनिफिट रेशियो में नापा जाता है कि किसी चीज का इतना मिनिस्क्यूल रिस्क हो और उसका फायदा बहुत हो, तो उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। और अगर जो हम पूरे प्रिकॉशंस लेंगे, जैसे कई किसी और जो वैक्सीन अमेरिका में हुई थी उनमें जो जिनको एलर्जी थी उनको कुछ रिएक्शन हुआ, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि आधा घंटा पौना घंटा और जिस जो ससेप्टेबल है उसको इवन लॉन्गर रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, कि भाई वो घर ना चला जाए, वहां पे रिएक्शन ना हो जाए। तो ये सब चीजें सोची गई हैं ऑलरेडी, हर चीज के लिए प्रोसेस और प्रोटोकॉल बन चुका है। अब आप देखें कि हिंदुस्तान ने कोविड की ट्रीटमेंट कितनी एफिशिएंटली करी है, हमारी मोर्टैलिटी, हमारी कंटेनमेंट पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ही अच्छी निकली है, दुनिया के मुकाबले में हमारी मोर्टैलिटी सबसे कम है। तो इसीलिए ये बातें जो है हमें सोच समझ के करनी चाहिए कि पब्लिक को एंग्जाइटी है, पर उस एंग्जाइटी पे उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। जो ये प्रोसेस चला है, इस प्रोसेस को चलने देना चाहिए। इस वक्त एबीपी न्यूज पर देश की सबसे अहम चर्चा देश के सबसे विश्वसनीय चेहरों के साथ हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, और वैक्सीनेशन को लेकर जो सवाल लोगों के मन में हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, उन पर हम उनसे जवाब ले रहे हैं। और लगातार हर एक सवाल जो आप सबके मन में है, जो बार बार उठाया जा रहा है, क्या अफवाह है, क्या सच है, वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है और उनका सच आखिर है क्या। वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरे रिसर्च के बाद ही बनी है। वैक्सीन से नपुंसकता का डर है, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और वैक्सीन को आनंद फानन में बनाया गया है। आमतौर पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आनंद फानन पर वैक्सीन को बनाया जाए, क्योंकि जो तमाम उसके प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स, स्टेजेस होते हैं उनको पार करना होता है। कुछ चीज़ें भले हो सकती है जिनको जल्दी किया गया हो, लेकिन उसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हैं, तो कहीं से कोई ऐसा खतरा नहीं है कि वैक्सीन को आनंद फानन में बनाया गया है और वो लोगों को नुकसान पहुँचाने वाली हो। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मांडे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तमाम जो वैक्सीन को लेकर भ्रम है उस पर हम बात कर रहे हैं, बच्चों को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों के लिए ठीक होगी नहीं होगी, उनको दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इस पर क्या जानकारी देंगे आप? ऐसा है कि जो ट्रायल्स किए गए हैं वो ज़्यादातर 18 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर ट्रायल्स किए गए हैं, तो इसलिए फिलहाल मैं समझता हूँ कि बच्चों को वैक्सीन देने का जो प्रायोरिटी है वो शायद बहुत कम होगा अभी इस वक्त, क्योंकि ट्रायल्स अभी जो किए तो उसमें कुछ पता नहीं चला। वैसे भी पता है कि कोरोना में बच्चों को काफ़ी कम अफेक्ट होते हैं, बच्चे ज़्यादातर कोरोना को जो इफेक्ट दिखा गया है वो बड़े लोगों पे दिखा गया है, और जैसे कि उम्र बढ़ती है बुजुर्गों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो और कोमॉर्बिडिटी में भी जो है कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, जिनको डायबिटीज़ हो, वो बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए बच्चे हम लोग समझ सकते हैं कि वो थोड़े सेफ है कोरोना से, और वैक्सीन भी उस तरह इसलिए कि बच्चों पर उनका प्रयोग ज़्यादा किया नहीं गया है अभी तक, तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रायोरिटी में शायद कम होंगे बच्चे जी। चलिए, ये बड़ा अहम सवाल का आपने जवाब दिया। हमारे साथ तीनों खास मेहमान मौजूद हैं, और अब से कुछ देर में DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, और जो भी वैक्सीन से लेकर भ्रम से जुड़ा हुआ सवाल है उसके जवाब हम अपने इन एक्सपर्ट से ले रहे हैं। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो देश के जाने माने विश्वसनीय चेहरे हैं, और वैक्सीन को लेकर जिस तरह की भी बातें हो रही हैं वो कितनी सेफ है, कितनी उसकी एफिकेसी है, वो सब कुछ हमारे एक्सपर्ट जानकारी दे रहे हैं।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।